दोस्तों अभी अपना गाड़ी फाइनली लोड हो गया है, पूरा फुल लोड हो गया है और देख सकते हैं। और चलते हैं अभी कांटा पर, गाड़ी लेकर के कांटे पे चलते हैं, कांटा कराते हैं। ये देखिए ट्रांसपोर्टर अभी आए थे तब दिए हमको, ये ट्रांसपोर्ट का चलान है, ई वे बिल है, इनवाइस है, ये ई वे बिल है, तो ठीक है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं, उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपके दुआ से हम भी ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज ब्लॉग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का 6 बज गया है, अभी चलते हैं हम लोडिंग में लगाने के लिए। अभी मुंशी जी आकर के बोले थे कि गाड़ी लेकर के आ जाइए लोडिंग में लगाने के लिए, तो चलिए दोस्तों चलते हैं लोडिंग लगाने। तो दोस्तों अभी चलते हैं चाय पीने के लिए और गाड़ी लेकर के आ गए हैं। देखिए सामने गाड़ी है अपना और ऊपर में अभी गाड़ी खड़ा था अपना, और इधर देखिए लोड सब गाड़ी सब खड़ा है इधर। तो चलते हैं अब चाय पीने के लिए, चला जाए। ये गाड़ी जो है कल का लोड नहीं हुआ है, वही सब है, तो ठीक है चला जाए। दोस्तों अभी देखिए इधर भी CCL का वर्कशॉप है, देख सकते हैं कितना कबारी वारी पड़ा हुआ है और बड़ा बड़ा मशीन इसमें खड़ा है। और ये फेस में जा कर के इसी मशीन से नीचे कोयला लोड होता है और ऊपर आ कर के डंप होता है डिपो में। तो ठीक है निकलते हैं, इसी रास्ता से थोड़ा दूर जाना होगा चाय पीने के लिए हमको, तो चला जा रहा है चाय पीने के लिए। और दोस्तों एक बहुत खूबसूरत चीज़ दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखिए इधर देखिए सूर्य भगवान को दर्शन कर लीजिए। निकल चुके हैं सूर्य भगवान, सूर्य भगवान निकल चुके हैं, और चलते हैं अभी। ये देखिए बगल में ही छोटा सा एक चाय दुकान है भैया का, क्या भैया ठीक बा, अपन सुनावा चाय बनावा तरह ठीक बा, बनावा बनावा। देखिए कोयला का आग पर बन रहा है, अभी चढ़ेगा चाय बनेगा। देखिए अपना चाय चढ़ गया है कोयला के आग पर, तो ठीक है इंतजार करते हैं बनने का। छोटू भी इंतजार कर रहा है, अभी इसको ठंडा लग रहा है, तो कोयला का ताव जो है यहाँ पे खड़ा है, लेकिन कोई खास ठंडा भी नहीं है, हल्का हल्का सुबह का समय है तो इतना तो लगना ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों चाय का इंतज़ार करते हैं। देखिए अभी चाय हो गया है और भैया अब छानेंगे थोड़ा देर। देखिए चाय अभी पक रहा है, चाय छान दिए भैया और चाय उठाया जा रहा है। दीजिए भैया शुरू करते हैं चाय पीने का। उधर छोटू भी ले लिया है, तो ठीक है चाय पी करके निकलते हैं। दोस्तों आ गए हैं चाय पी करके, छोटू भी आ गया है, और देखिए अपना गाड़ी इधर लगेगा लोडिंग में। और इधर देखिए जगह बिल्कुल नहीं है, खाली जाने का रास्ता है, लेकिन इधर साइड में चाहे इधर भी देखिए कोयला गिरा हुआ है। और दोस्तों ये निचितपुर कोयलरी है, कल का वीडियो में आपको बताए होंगे निचितपुर कोयलरी है, तो ठीक है। और हमको जाना है भदोही, यूपी भदोही। देखिए जगह बिल्कुल नहीं है। देखिए दोस्तों अभी आ गए हैं, और इधर देखिए पूरा माल गिरा हुआ है, देख सकते हैं कल लोड हो गया रहता लेकिन जगह के कारण लोड हुआ नहीं, तो ठीक है। आज देखिए लेबर लोग भी लगे हुए हैं छांटने के लिए, सब एस्टीम कोयला को अलग कर रहे हैं, तो ठीक है। और ये BCCL का कोल माइंस है, धनबाद में है। देखिए अभी अपना गाड़ी लेकर के आ गए हैं, और इधर देखिए कोयला को थोड़ा सा हटा रहे हैं ताकि रास्ता बन जाए, और यहाँ पे लगेगा जहाँ छोटू पैर रखा हुआ है वहीं पर लगेगा अपना गाड़ी, तो ठीक है। देखिए दोस्तों अभी अपना गाड़ी लोडिंग शुरू हो गया है, और चलिए दिखाते हैं, इधर से चलना पड़ेगा। देखिए अभी शुरू हुआ है, देखिए अभी शुरू हुआ है, अभी थोड़ा सा माल गया है लेकिन जल्दी हो जाएगा, पूरा माल उल छाटा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं। और लेबर भाई लोग भी लगे हुए हैं, और देख सकते हैं कोयला और पत्थर नजर आएगा चारों तरफ, चारों तरफ कोयला पत्थर नजर आएगा। और ये है निचितपुर कोयलरी, और यहाँ से हमको जाना है भदोही, यूपी भदोही। ये BCCL का कोल माइंस है,
तो दोस्तों अभी नाश्ता कर लेते हैं, सुबह का अब 8:30 बज गया है, तो ठीक है नाश्ता कर लेते हैं। रात का पनीर बचा हुआ है, रोटी बचा हुआ है और जलेबी छोटू लाया है। जलेबी देखिए छोटू लेकर के आया है, इधर देखिए रात का पनीर और रोटी बचा हुआ है और इधर जलेबी लेकर के आया है छोटू। तो ठीक है नाश्ता करते हैं अब हम लोग, तो पहले जलेबी से शुरू करते हैं। दोस्तों अभी अपना गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे अभी वहाँ पे लगाए हैं और चलिए दिखाते हैं कितना लोड हो गया है। जो चलिए दिखाते हैं छोटू, देखिए लगभग आधा से ज़्यादा हो गया है अपना गाड़ी। और इधर देखिए भैया लोग फोड़ रहे हैं, बड़ा बड़ा ढेला है उसको फोड़ रहे हैं, देख सकते हैं माल भी पूरा गिरा हुआ है। लेकिन जगह के कारण खाली कल मेरा गाड़ी लोड नहीं हो पाया था और आज लोड हो रहा है, एक दिन मार खा गया, जगह के कारण मार खा गया था। तो ठीक है देखिए, और चलिए दिखाते हैं फेस दिखाते हैं कोयला का फेस, अपना फेस तो दिखाइए रहे हैं, कोयला का फेस दिखाते हैं कितना बड़ा है फेस। तो चलिए दिखाते हैं, देखिए चारों तरफ कोयला गिरा हुआ है। और देखिए छोटू अपना बत्ता लगा रहा है ऊपर में चढ़ के। देखिए दोस्तों आ गए हैं जहाँ से हमको कोयला का फेस दिखाना है, और देख सकते हैं अपना गाड़ी वहाँ पर लोड हो रहा है, थोड़ा सा दूरी है। और इधर देखिए नीचे में भी गाड़ी सब लोड हो रहा है और भी गाड़ी सब लगा हुआ है। और देखिए यही कोयला का फेस है, इसी में से कोयला निकल करके कट करके बड़ा सा हॉल पैक में लोड होकर के आता है। तो देख सकते हैं कितना बड़ा कोयला का माइंस है, यह BCCL का कोल माइंस धनबाद में। देखिए और सब मशीन सब लगा हुआ है कोयला काटने के लिए, पत्थर हटाने के लिए, वो भी हटाने के लिए काफ़ी फिट पत्थर हटाना पड़ता है, उसके बाद जाकर के कोयला मिलता है बहुत ही मेहनत से। तो ठीक है दोस्तों, और देखिए सकते हैं चारों तरफ पत्थर, ना तो कोयला ही नज़र आएगा। और देखिए उधर यहाँ से जूम कर रहे हैं, बड़ा बड़ा हॉलपैक से कोयला लोड होकर के तब आता है। और ठीक है दोस्तों कभी ज़रूर हम फेस में ले जा करके लाइव कोयला कटिंग जैसे होता है वो हम दिखाएंगे, कैसे कोयला वहाँ पर काटा जाता है एकदम लाइव दिखाएंगे, नज़दीक में जा करके फेस में जाना पड़ेगा। तो आज तो लोड हो जाएगा गाड़ी, कभी और समय मिलेगा तो ज़रूर दिखाएंगे आप लोग को। तो ठीक है चलते हैं आप गाड़ी पास, देखिए संभाल के उतरना भी पड़ता है। तो अब चलते हैं गाड़ी पास। ये दोस्तों अभी 3 हिस्स हो गया है हमारा गाड़ी, थोड़ा सा बाकी और है हो जाएगा। और देखिए अभी माल भी बहुत ज़्यादा है, सब स्टीम कोयला है, बड़ा बड़ा सब फोर फाड़ के लाद रहे हैं ये लोग। और देखिए वो जो मशीन आया है अब भी आया है डोजरिंग करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए, रास्ता बनाने के लिए, देखिए बराबर करने का अभी शुरू कर रहा है। तो ठीक है अब छोटू बत्ता लगा रहा है, गया है बत्ता लगाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों वीडियो में बने रहिए। दोस्तों अभी अपना गाड़ी फाइनली लोड हो गया है, पूरा फुल लोड हो गया है और देख सकते हैं। और चलते हैं अभी कांटे पर, गाड़ी लेकर के कांटे पर चलते हैं, कांटे कराते हैं। दोस्तों अभी कोलरी से निकल करके आ गए हैं, कांटा भी हो गया, सब फाइनल हो गया और पेपर भी मिल गया है, देख सकते हैं ये पेपर मिला है, लोकल डेस्टिनेशन है। यहाँ से अब हमको जिस बीओ का पेपर है वो हमको ई वे बिल और इनवाइस टैक्स इनवाइस जो होता है वो काट करके देंगे, तब जा करके यहाँ से हम निकलेंगे भदोही के लिए, भदोही UP। तो ठीक है दोस्तों, और अंगूर हम ले लिए तो खा रहे हैं और छोटू जा रहा है खाना खाने के लिए, हम आज अंगूरें खा लेते हैं, अभी शाम के देखा जाएगा उधर कुछ खाया जाएगा, लेकिन अभी अंगूर खा लेते हैं, फिर पेपर आएगा तो फिर निकला जाएगा यहाँ से, जब तक जा रहा है छोटू खाना खाने। तो दोस्तों अभी सब पेपर हमारा मिल गया है और देख सकते हैं, ये देखिए ट्रांसपोर्टर अभी आए थे तब दिए हमको, ये ट्रांसपोर्ट का चलान है, ई वे बिल है, इनवाइस है, ये है ई वे बिल है। तो ठीक है
अब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। और ये पेपर 2 बजे निकल गया था, लेकिन हमको ट्रांसपोर्टर दिया नहीं, पता नहीं वो भी सो गए थे। हमको ये भी बोले रहते कि मोबाइल में भेज देते हैं, तो हम व्हाट्सअप करवा लिए रहते, लेकिन अभी शाम को लगभग 6:30 बज गया है। तो ठीक है, अब निकलते हैं इसी में धीरे धीरे। दोस्तों भी देख सकते हैं पेट्रोल पंप पर पहुंच चुके हैं और डीजल लेने के लिए, अपना टंकी खुला हुआ है, भैया आ रहे हैं डीजल देंगे। देखिए अब डीजल जा रहा है अपने टंकी में, और देखिए अभी शुरू हो गया है, 0 से अभी 1-2 हो गया। और छोटू अपना जब तक शीशा साफ कर रहा है, देखिए अभी छोटू शीशा साफ कर रहा था, अभी शीशा साफ करके नीचे उतरेगा। देखिए अभी डीजल आ गया है नज़दीक, और देखते हैं कितना ले रहा है डीजल, 243.44 हो रहा है। अभी हमारे टंकी में डीजल था, इसीलिए आज कम ले रहा है डीजल, देखते हैं कितना ले रहा है। देखिए अपना डीजल लिया अभी 268 लीटर, टंकी भी अपना फुल हो गया। तो दोस्तों अब निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों अभी तोपचांची में रुक गए हैं चाय पीने के लिए, तो टायर भी देख लिया छोटू, और चाय भी पीने चला जाए। छोटू हाँ चला जाए चाय पीने। हाँ चला जाए। तो ठीक है चलो, यहीं बगल में है होटल दोस्तों, तो चलते हैं चाय पीने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी होटल पर पहुंच गए हैं, और ये होटल बाबा का ढाबा है। तो भैया चाय बनाइए, बन रहा है चाय? तो भैया अभी चाय बना रहे हैं, देखिए अभी चाय लेकर के आ गए हैं भैया, मस्त चाय, गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म चाय है, देखिए बाबा का ढाबा का गर्मा गर्म चाय। तो ठीक है अब हम लोग चाय पीते हैं। देखिए छोटू भी ले लिया, तो अब शुरू किया जा रहा है, छोटू भी कर दिया शुरू, और हम भी करते हैं पीने के लिए। दोस्तों हम लोग का चाय पानी हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं, अब डायरेक्ट घंघरी रुकेंगे हम लोग, वहीं पर खाना उना खाया जाएगा। दोस्तों अभी पहुंच गए हैं घंघरी, ये घंघरी जगह है जहाँ पे हम हमेशा रुकते हैं, कहीं से भी आना जाना है यहाँ पे जरूर रुकना है, और सामने अपना गाड़ी है और देख सकते हैं। चलिए तब अब खाना उना खाया जाए, सामने पंकज भैया का घर भी है, लेकिन पंकज भी आज निकल चुके हैं, चलते हैं खाना वाना खाने के लिए। देख सकते हैं दोस्तों अभी हम लोग का खाना आ गया है, और दिखाते हैं इधर दाल भुजिया चटनी प्याज सलाद है, रोटी है, उधर छोटू का है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं खाने के लिए। तो दोस्तों अभी खाना खा करके हम लोग आ गए हैं, अब आराम करते हैं, सुबह यहाँ से निकलेंगे। तो वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत शुभ रात्रि।